आज देखिए चौका बेलन में हम क्या बनाने जा रहे हैं। सोयाबीन की सब्जी तो सबको पसंद है, तो सभी बहुत चाव से खाते हैं, तो कुछ अलग तरह से मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। जैसे ये है, मैंने सोयाबीन लिया है और इसको मैंने गर्म पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और इसके पानी भी मैं दबा करके निकाल ली हूँ। और फिर उसके बाद जो है ये प्याज है, अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया मैंने, मिर्चा, टमाटर। तो अब इसको बनाने के लिए अलग में क्या है, बेसन लिया है मैंने 2 चम्मच, ये तो बेसन को मुझे इसमें डाल देना है और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डालेंगे और थोड़ा सा हींग डालेंगे, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा जो बहुत अच्छा टेस्ट लाता है, ये डाल देंगे। अब इसे सभी को मुझे क्या करना है, मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। ऐसे काफी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा जो है क्या होता है कि ये पूरा कोटेड हो जाएगा, तो इसे मुझे कढ़ाई में जो है फ्राई कर देना है। मैंने ये कढ़ाई रख दी है, गरम हो गया है। इसमें मुझे क्या करना है, अब ऑयल डालना है, सरसों ऑयल। अब मुझे इसे फ्राई कर लेना है पूरा। देखिए कोटेड हो गया है। जब ये थोड़ा ब्राउन होने लगेगा तब इसे निकाल लेंगे। तब तक खूब अच्छे से सेक लेंगे सोयाबीन को। जब तक ये सेक रहा है, कलर चेंज होने लगा है थोड़ा थोड़ा, फुल आंच पे ही इसको चलाते रहना है, चिपकता नहीं है बिल्कुल भी। इसे जो है आप चलाते रहेंगे तो चिपकेगा भी नहीं, बहुत आसानी से ये जो है तल के अच्छा निकल आएगा। देखिए बिल्कुल बढ़िया सा हो गया है, ये सिक गया है, ब्राउन सा कलर चेंज हो गया है। तो इसे हम अब प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद प्याज को भून करके और मसाले को फ्राई करेंगे। तो मुझे अब ऑयल डालना है इसमें, ऑयल डाल करके फिर उसके बाद, कढ़ाई तो गर्म है ही, तेल गरम हो गए हैं बिल्कुल, देखिए गरम है। इसमें पंचफूरन मुझे तड़का दे देना है। उसी कढ़ाई में मैंने इसे बना रही हूँ मैं, तेज पत्ता डाल दूंगी और लाल मिर्च है तड़के के लिए, तड़का पूरा अच्छे से हो गया है। तो अभी से क्या करना है, मुझे प्याज डाल देना है थोड़ा, प्याज से फ्राई कर दूंगी। जब ये ब्राउन होने लगेगा तो इसमें जो है अदरक डाल करके, अदरक का जो मैंने पेस्ट बनाया है वो डालूंगी। जब तक प्याज भून रहे हैं तब तक मुझे ये पीस लेना है मसाले को। ये
मैंने प्याज लिया है, जीरा लिया है 1 चम्मच, और थोड़ी सी 8-10 दाने काली मिर्च की ले लूंगी। और 2-3 लौंग ले लूंगी। प्याज बिल्कुल देखिए ब्राउन हो चुका है। इसमें मुझे क्या करना है, प्याज और वो लहसुन का पेस्ट जो है मैंने तैयार किया था उसे डाल लेना है। बहुत देर तक इसे नहीं भूनना है क्योंकि टेस्ट बेकार हो जाते हैं। हल्का सा चला के फिर इसमें गरम मसाला मैं डाल दूँगी। जो मैंने मसाले पीसे थे उसको मुझे डाल देना है क्योंकि प्याज भून चुका है। मसाले भून चुके हैं, इसके देखो इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी मैं डाल देती हूँ और कलर अच्छा आ जाएगा। भूनने के बाद जो है मैंने टमाटर को जो रखा था उसे मैंने ग्रेवी तैयार कर लिया, उसको पीस करके प्यूरी तैयार कर ली है। ऐसे चलिए मैं इसके साथ भून देती हूँ थोड़ा। और इन सब के साथ थोड़ा सा ये थोड़ा देर हो जाता है तो पूरा हो गया है। इसमें अब डाल देते हैं इसे, खूब अच्छी तरह से इसे पूरा मिक्स कर लेना है। अच्छे से चला लेना है, इसका चलाना है कि बराबर से सिक जाए। और फिर इसमें थोड़ा पानी हम डाल देंगे, नमक वगैरह नमक भी डालना है 1 चम्मच। नमक स्वाद के अनुसार डाल देते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके एक बाउल पानी डालेंगे। इसमें थोड़ा सा सूखा सूखा ही बनाए, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं। ग्रेवी हल्की गाढ़ी रहेगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि ये पानी भी ये सोखते हैं ना सोयाबीन, बिल्कुल सूख सा ना जाए इसलिए थोड़ा सा ढीला ही रहेगा। इसमें देखिए ये 1 चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है लास्ट में, इसे टेस्ट अच्छा आता है लास्ट में डालने पे। अब इसे थोड़े देर मुझे पका देना है ढक के 10 मिनट तक। देखिए ये लगभग तैयार हो चुका है। बिल्कुल अच्छे तरह से पक गया है। तो ये सब्जी देखिए बिल्कुल रेडी हो गई है। अब बस इसे सर्व करना है। तो ये सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है मेरी, अब इसे मैं सर्व करती हूँ। तो देखिए ये सब्जी सर्व कर दिया है। इस पर थोड़ा सा गार्निश के लिए धनिया डाल दूंगी जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। बना करके देखिए फिर कैसा लगता है और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा बना है इसका टेस्ट। बहुत ही अच्छा लगता है इसको रोटी या पराठे के साथ, चावल के साथ
खा सकते हैं, तो खाइए और फिर उसके बाद बताइए। बाय।